नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा स्टील एमडी को ज्ञापन सौंपने गए टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ा। जनसंघर्ष मोर्चा ने टेलको थाना प्रभारी के निलंबन की उठाई मांग और बागबेड़ा में टेलको कर्मी ने माँ और भाई को घर से निकाला। अब खबरें विस्तार से। नियोजन के मुद्दे पर आज टाटा स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक एचएम नरुकर को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपने पहुंचे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के लोग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते ज्ञापन सौंपने में नाकाम रहे। टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए एमडी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संघ के नेता मोहन पांडे ने कहा कि टाटा स्टील प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियन कंपनी के निबंधित कर्मचारी पुत्रों के साथ जाति कर रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर निबंधित कर्मचारी पुत्रों के नियोजन के मुद्दे पर निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो वे एमडी आवास के समक्ष परिजनों के साथ आत्मदाह कर लेंगे। आठ तारीख में एमडी आवास पर आएंगे। एमडी आवास पर आने का ये देखेंगे ये नतीजा है। प्रशासन इस तरह से बीका हुआ है कि उनके घर पर पहले ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये जरूर वादा करके जा रहे हैं कि अब पूरा निबंधित के लिए जा रहे हैं और एक सप्ताह बाद आज के सातवां दिन यही मोहन पांडे अपने बाल बच्चों के साथ अगर नहीं मिले तो हम मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ अपने बाल बच्चों के साथ जो भी हमारा साथ देगा उसके साथ पहुंचेंगे। और हम एमडी आवास पर अगर बात नहीं कराया जाता मेरा तो हम सामूहिक आत्महत्या, अपने बाल बच्चों को तो जलाने का मेरा अधिकार है ना, उसका आत्महत्या तो हम कर सकते हैं, मानते और किसी का नहीं करेंगे। आत्महत्या करना ये समाधान है? ये तो आपराधिक मामला हो जाएगा। क्या करें सर, आपराधिक तो ऐसे कौन सा हम लोग के साथ न्याय दिया जाता है? ऐसे भी तो अपराधी है जैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसे भी धक्का मारने का मतलब हुआ कि हम अपराधी हैं। जनसंघर्ष मोर्चा ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर पिछले दिनों सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले टेलको थाना प्रभारी को अविलंब हटाने की मांग की है। इस संबंध में रविंद्र झा, विनोद सिंह और आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में दर्जनों लोग आज डीसी को ज्ञापन सौंपने आए थे। रविंद्र झा और विनोद सिंह ने कहा कि टेलको थाना क्षेत्र में इन दिनों असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। क्षेत्र में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है जिसे टेलको पुलिस रोक पाने में नाकाम है। अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए टेलको थाना प्रभारी निर्दोष लोगों पर पुलिसिया रौब दिखाते हैं। अपराधियों को संरक्षण देने वाले टेलको थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित कर दिया जाना चाहिए। दो दिन पहले जो घटना घटी है, जिस तरीके से गलत तरीके से निर्दोष लोगों को थाना में फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिस तरीके से लोगों को पीटा गया है, उसको लेकर हम सभी लोग तेलुगु नगर वासी आए हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। जल्द से जल्द थाना क्षेत्र में, तेलुगु थाना क्षेत्र में जो भी अवैध कारोबार हो रहा है उसको बंद किया जाए। इसको लेकर पूरे तेलुगु क्षेत्र के लोग आप डीसी से मिले आए। देखिए स्थिति ये है कि वहाँ थाना प्रभारी थाना नहीं चला रहे हैं, वहाँ कुछ ड्राइवर हैं और छोटे तबके के जो पदाधिकारी हैं वो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो स्क्रैप टाल हो या शराब की भट्टी हो, सबसे उगाही करते हैं। स्थिति बहुत भयावह हो गई है, पूरा जनता आक्रोशित है और पांच दिन हम लोग अपने हमारी कुछ मांगे हैं, अगर वो मांगे मान लेती है प्रशासन तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बागबेड़ा रोड नंबर 4 के रहने वाले टाटा मोटर्स के कर्मचारी प्रमोद कुमार सिंह ने अपनी माँ और छोटे भाई दिलीप कुमार सिंह को घर से बेदखल कर दिया। पुत्र द्वारा घर से निकाल दिए जाने के चलते माँ और उसका छोटा भाई बेघर से हो गए हैं। बेघर हुई महिला और उसके छोटे पुत्र ने कहा कि वे लोग गांव में रहते हैं। जब वे लोग टाटा मोटर्स में कार्यरत प्रमोद कुमार सिंह के यहाँ आए तो उसने सामान को फेंकते हुए दोनों को घर से निकाल दिया। करीब 13 साल पहले ये लोग छोटा छोटा थे तो यहाँ से चल गए, फिर आए हैं जब घूम फिर के चल जाएंगे तो सुने के क्वार्टर अपने जनानी के नाम से कराए हैं। कौन? लड़का। कौन? हाँ तो हम बोले कि घर मेरा नाम से कर दो, मेरा संपत्ति है आदमी का, तुमको तो नौकरी दिए पैसा दिए, क्वार्टर मिल गया रहो मेरे को रहने दो, हम एक किराया उस लेंगे खाएंगे, एगो दूगो ये भी है तो कहेगा कि मेरे को क्या दिया। सारा सामान का बाहर निकाल दिया? यही सामान है सर, मेरा तो चौकी उकी था, बर्तन था, सो सब अपना ले गए हैं, हम लोग नहीं थे सब ले गए। मेरे बड़े भाई प्रमोद कुमार सिंह जो टेलको एम्प्लॉय है और उन्हें
सर्विस बावजूद देने के बाद वो लिखित दिए हैं कोर्ट से कि हमें घर से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी बावजूद वो कागज बनाने के बाद जबरदस्ती करके 10 साल पहले भी कांड हो चुके, हमारी सिस्टर डेथ हो चुकी है पहले एक हमारी इस घर के पीछे, तो फिर भी हम लोग यहाँ से 10 साल पहले जा चुके थे, भागना पड़ा यहाँ से कि अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद हम 10 साल बाद आए हैं तो पता लगा यहाँ का घर अपने नाम पे कर रहे हैं और यहाँ से ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई नहीं है। वो सामान सारा आप फिल्टर देख रहे हैं वहाँ पे सारा फेंका हुआ है, और बाकी उस कहते हैं कि घर में कोई नहीं है। कल हम मेरे से हाथापाई करने पर उतर गए थे, फिर मैंने जबरदस्ती मुझे धक्का दे रहे थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, फिर मोहल्ले वाले कोई कुछ नहीं बोलते, डर के मारे कौन इस बीच में पड़ेगा लफड़े में। झारखंड नगर विकास समिति ने JNAC पर गैर कंपनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा प्रदान करने में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। इस संबंध में समिति की ओर से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। समिति के अध्यक्ष शैलेश सिंह ने कहा कि गैर कंपनी क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। बारिश के इस मौसम में मच्छर जनित बीमारी फैलने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे क्षेत्रों में पीने के पानी की भी घोर समस्या है, प्रायः चापाकल खराब पड़े हैं, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन को जनहित में JNAC पर बेहतर नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। JNAC को बार बार ज्ञापन देने के बाद में, JNAC पदाधिकारी को सूचना देने के बाद में भी ये काम नहीं हो रहा है, वो एकदम कान में तेल डाल करके सो गए हैं, उन्हें जगाना होगा। इसीलिए उपायुक्त महोदय को आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और विभिन्न जगह का फोटो भी हम लोगों ने प्रेषित किया है कि कहां कहां गंदगी है। बिल्डी चर्च स्कूल की ओर से 3 दिवसीय AC इंटर स्कूल जोनल फुटबॉल टूर्नामेंट 6 से 8 अगस्त तक लॉयला ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें शहर के 22 स्कूल भाग लेंगे। यह जानकारी बिल्डी चर्च स्कूल के सचिव PK दास ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर कैटेगरी में आयोजित की जाएगी। जूनियर कैटेगरी में ICSE लेवल की 21 टीमें भाग लेंगी, जबकि सीनियर वर्ग में ISC लेवल के 13 स्कूल भाग लेंगे। विजेता टीम का चयन नॉकआउट आधार पर होगा। हमारी स्कूल को यह सौभाग्य है कि ICSE की गाइडलाइन पर दिल्ली बोर्ड के अंतर्गत ये इंटर स्कूल जोनल फुटबॉल टूर्नामेंट का ये मौका हमें मिला है, जो चर्च स्कूल बेल्डी अपने ऑर्गेनाइज कर रही है। सोनारी बड़तला में नवस्थापित दूनकेट्स नामक स्कूल का उद्घाटन आज श्रीमती भानु नीलकंठन ने किया। इस मौके पर DVMS इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल रजनी शेखर और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। स्कूल की प्रिंसिपल IV सन्याल ने कहा कि जमशेदपुर में दून किड्स की यह 4th शाखा है। उन्होंने दून किड्स में दी जाने वाली गुणवत्ता युक्त शिक्षा का जिक्र किया। इंडिया हैज टू इम्प्रूव द कॉमन इंडियन, यू नो द कॉमन मैन, ही मस्ट गेट गुड न्यूट्रिशियस फूड फॉर हिज स्टमक, good benefiting education for his mind, and remembering our Sanatana Dharma for our soul. कि हमारे यहाँ पे सुनारी सेंटर एक 4th ब्रांच है, ये हमारा 4th ब्रांच है जो खुल रहा है, और हमारा मैसेज पूरे जमशेदपुर में यही है कि हम एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स बाहर से लेके आए हैं फर्स्ट टाइम, और हमारा यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छे स्कूल की ओपनिंग हो रही है, एक अच्छे भविष्य की तरफ हम उसको मोल्ड कर सकें। सावन माह की दूसरी सोमवारी को शहर के शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी थी। कदमा रंकिनी मंदिर में अधिक भीड़ के लिए लोगों को कतारबद्ध होना पड़ा। मंदिर के पुजारी मृत्युंजय ने सावन माह की सोमवारी पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जो भूतवावन सदाशिव का मास, ये सावन मास, ये पुनीत मास, इसमें जो है इस सावन मास में जो पूजन पाठ जो भक्त करेंगे उनका जो है भूतवावन सदाशिव, उनके घर में धन धान की विधि, सब कुछ जो है मनोकामना
टीएसआरडीएस की ओर से बस्ती क्षेत्र के फुटबॉल प्रतिभागियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय बस्ती क्षेत्र स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो बिस्तीपुर आर्मरी ग्राउंड में खेली जा रही है। कैजर अहमद ने बताया कि फुटबॉल प्रतियोगिता में बस्ती क्षेत्र की 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें पूरे कोल्हान क्षेत्र की टीमें शामिल हैं। प्रयास करने की कोशिश जमशेदपुर में और 40 एरिया की टीम यहां पर आ रही है। थोड़ी सी चुक नंबर के द्वारा पूरी तरह चेस पर नहीं पहुंचता है, चलेगा खतरा हो सकता था। मैदान में होगा टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है वर्ल्ड में जो इतने बड़े पैमाने पे टूर्नामेंट कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, और मेरा सोच है कि और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। जमशेदपुर कलाकार मंच द्वारा पूर्व पार्श्व गायक किशोर कुमार की याद में उनके जन्मदिन पर आज माइकल जॉन प्रेक्षा गृह में एक शाम किशोर कुमार के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने किशोर कुमार के गाए कई गीतों को पेश किया। शंकर नाथ झा ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम किशोर कुमार को श्रद्धांजलि स्वरूप है। जन्मदिन के ऊपर कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें जमशेदपुर कलाकार मंच के सभी कलाकार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और शहर के जितने भी अच्छे प्रतिष्ठित कलाकार लोग हैं वो सारे इसमें सहभागी हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर रविवार शाम निको पार्क में डीजे का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के नृत्य गीत पर लोगों ने जमकर धमाल किया। डीजे का आनंद उठाने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचे थे। लिखे खत दोनों पानी।